वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय के बाहर दिखाई दे रहा ये दिव्यांग थाना बलदेव गांव नेरा निवासी राजू सिंह है। राजू सिंह की माने तो 16 अप्रैल को गांव के ही नामजद लोग उसके खेत में लगे हुए नलकूप के स्टार्टर को चुरा ले गए। जब इस मामले में शिकायत लेकर पीड़ित स्थानीय थाने पहुंचा और नामजद आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने की पुलिस से गुहार लगाई, लेकिन पुलिस ने उसकी कोई भी सुनवाई नहीं की। इसी से परेशान होकर आज पीड़ित राजू एसएसपी कार्यालय पहुंचा। यहां उसने नामजद आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराए जाने की गुहार लगाई। इस दौरान दिव्यांग राजू ने मीडिया को क्या बताया, जरा आप भी सुनिए। सर, दरोगा जी हमारी सुनवाई नहीं कर रहे थे, इस संबंध में एसएसपी कार्यालय आए थे। क्या मामला है? मामला ये है कि हमारा स्टार्टर था ट्यूबवेल का, जो सिंचाई करने वाला स्टार्टर होता है, तो उसको जो हमारे गाँव का ही लड़का उठा के ले गया था। तो पुलिस चौकी बुलाती थी, हमसे ये कहती थी तुम कसम खाओ कि तुम ले यही लेके गया है। मैं सर हमारा माल भी चोरी हो गया और कसम भी हम खाएं, तो बोले कि यहाँ आ जाओ राजीनामा करा देंगे चौकी। मैं चौकी पे क्यों राजीनामा, वो गांव में ही कर लेंगे भाई। ऐसा राजीनामा करेंगे तो 10-20 लोग जोड़ के वही फैसला हो जाएगा, ठीक है। मैं वो बार बार यही कहते थे, मैंने कही कि तुम हर काम अपने आप खुद करना चाहते हो। मैंने कि हम क्यों करेंगे सर, ये कानून किस लिए, पुलिस किस लिए। तो जब सीजीडी पर रिपोर्ट चढ़वा दी, तो रिपोर्ट चढ़ने के बाद हम दरोगा जी के पास गए। दरोगा जी हमसे ये कह रहे थे कि ये केस डायरी तुम ले जाओ और तुम खुद अपनी विवेचना खुद कर लेना। मैं कि आप हमारे हल्का इंचार्ज जो आप ही करोगे, हम कैसे कर सकते हैं। तो बोले कि देखेंगे, ऐसे बोल देते हैं, आगे कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। कार्यालय पे आप कैसे मिले हैं? हाँ, ऐसे कप्तान साहब से मिले हैं। क्या कप्तान साहब ने कह दिया, आदेश कर दिया है और काम हो जाएगा, ये बोला है।